सबसे पहले Lightroom ऐप को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मैं इमेज को इस तरह से क्रॉप कर लूँगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टिव टूल को और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो रिवर का वाटर है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। बेसिकली यहाँ पे इस इमेज के अलग अलग पोर्शन को हम सिलेक्टिव टूल के हेल्प से सिलेक्ट करेंगे और उसको अलग अलग कलर करेंगे। तो अच्छी तरह से सिलेक्ट करना यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ब्रश के साथ टूल्स आता है, साइज, फेदर एंड जो फ्लो है, उसको आप अलग अलग तरह से चेंज करके अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जो कलर होना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया का वो कलर आप सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइन और ब्लू का जो मिक्स है वो कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और यही प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा जो मॉडल का शर्ट है उसके ऊपर। तो इसमें आप अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करें और अच्छी तरह से सिलेक्शन कर लें। जितनी अच्छी तरह से आप सिलेक्शन करोगे उतना ही जो आउटपुट होगा फ्लॉलेस होगा। और फिर कलर में जाके यहाँ पे मैं ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट करूँगा। पीछे का जो फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ग्रीन कलर करेंगे, तो इसी तरह से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्काई वाला पोर्शन है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। बाद में हम इसको इरेज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैं इस तरह से कलर दे देता हूँ। और लास्टली मैं यहाँ पे मॉडल का जो फेस है वो सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे जो स्किन टोन है वो लाना है। और जो आईज है एंड जो आईब्रोज हैं उसको मैं डीसिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे अगर ऑरेंज कलर आ जाता है तो फिर वो रियलिस्टिक नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो स्किन टोन है कलर में जाके वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे उसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपको एग्जैक्ट कलर सिलेक्ट करने की ज़रूरत अभी है नहीं। ओके, तो स्किन को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से फाइन ट्यून कर लेता हूँ। तो स्काई के अलावा लगभग हमने सभी पोर्शन को कलर कर दिया है, तो इस तरह का इमेज बन चुका है। तो अभी आप यहाँ पे जो लाइट एडजस्टमेंट हो गया वो करेंगे और मुझे थोड़ा सा मूडी जो वाइब है वो ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा डार्क टोन दूंगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लाइट एडजस्टमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। अगर कौन सा टूल किस तरह से चेंज करता है उसका अगर आपको आइडिया लेना है तो यहाँ पे आप हेल्प में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। और कुछ इस तरह से मैं कर्व एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो ये सब्जेक्टिव है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे इमेज का सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो इसीलिए मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर लूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्सचर को थोड़ा सा चेंज कर लूँगा और क्लैरिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँगा। ओके, डीहेज को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा और विग्नेट इफेक्ट इस तरह से ऐड करूँगा। मिड पॉइंट्स एंड जो फेदर है वो भी चेंज कर लूँगा और फिर मैं इमेज का शार्पनेस थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा इस तरह से। और नॉइस रिडक्शन एंड देन कलर नॉइस रिडक्शन को भी मैं इस तरह से मॉडिफाई कर लूँगा। और यहाँ पे जो स्किन है वो थोड़ा सा ओवर सेचुरेटेड हो गया है तो इसका सेचुरेशन मुझे रिड्यूस करना होगा। तो सेचुरेशन रिड्यूस करने के लिए सिंपली मैं सिलेक्टिव में जाऊँगा और ये डॉट सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद जैसे ही आप इस पॉइंट को नीचे की तरफ स्लाइड करोगे देखिए सेचुरेशन रिड्यूस हो गया। और अभी मैं विग्नेट को थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर लेता हूँ। यहाँ पे मिड पॉइंट एंड जो फेडर है उसको थोड़ा सा चेंज करके देखूंगा। और लाइट्स को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा इस तरह से। ओके,
तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपके लाइकिंग या डिसलाइकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह का इफेक्ट या किस तरह का लुक आप क्रिएट करना चाहते हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्ट किया था, तो उसको अभी मैं डीसिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से। और स्काई भी थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ हल्का सा। और उसी तरह से जहाँ जहाँ मैंने इमेज में कलर किया था उसका सैचुरेशन मैं फाइन ट्यून कर लूँगा ताकि इमेज फ्लॉलेस दिखे स्काई को। एंड देन जो वाटर है उसका भी सैचुरेशन मैं रिड्यूस कर दूँगा थोड़ा सा। लगभग जो इमेज है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, आप देख सकते हैं ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। और इसी तरह से आप Lightroom ऐप का यूज़ करके काफ़ी इजीली आपके ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ को कलर फोटोज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।